जन आक्रोश रैली आयोजित की गई है। माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ पाटिल जी के नेतृत्व में यह विशाल सभा किस लिए बुलाई गई है आप सबको मालूम है। कहा जाता है विद्या विनयन शोभते। एक ग्रेजुएट एमएलसी हो आप, ग्रेजुएट एमएलसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और उस दोनों को डॉक्टर और ग्रेजुएट एमएलसी को आपने लज्जा से शर्मसार किया है। ये पेशेंट सरकार के पेशेंट प्रतिनिधि आप हो, ये आपने सिद्ध कर दिया है। चैरिटी बिगेन एट होम कहते हैं, आपके पिताजी भी यहां पर हमदाबाद के शासक और मंत्री रह चुके हैं, आपका पुराना घराना राजकीय है, सभी भाई पदों पर है। हमदाबाद तालुके के इस जनता ने आपको बहुत बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन आप उस सम्मान लेने के लायक नहीं हो, ये आपने सिद्ध किया है। आदमी का व्यवहार ही उसके घराने की पहचान होती है, उस व्यक्ति की पहचान उसका व्यवहार होता है। और आपका व्यवहार एक जनप्रतिनिधि को चुना, जनप्रतिनिधि को हजारों लाखों लोगों ने वोट डाल के जिसको चुना कि आपका प्रतिनिधि बोलकर असेंबली में भेजा है, उसके आप जबान काटने की बात करते हैं। केडीबी मीटिंग में सभी अफिसरों के सामने आप उनको एक भ्रष्ट नेता बोल के आपका दूध से नहाए हुए हो, आपके आपके अपवित्रता को चैलेंज करिए, औरतें बोलते रंडे बोलते सात रंडे बोलते, वैसा अगर तुम जिसकी तरफ उंगली कर रहे हो ना, तुम्हारी तरफ कितनी उंगलियां उठेंगी। तुम्हारे अगर पोल खोलते गए तो हमनावर तालुके के सभी लोग आपको जो समर्थन करते हैं, जो आपके दरवाजे पर नौकरों की तरह, सेवकों की तरह, चाटुकारों की तरह रहते हैं ना, वो भी शर्म से गर्दन नीचे करेंगे। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सत्ता आती है जाती है, सत्ता किसी के जागीर नहीं है। सत्ता का इतना अभिमान भी नहीं होना चाहिए। अगर सत्ता को पचाने की आपको ताकत नहीं है तो आपको ठोकर मारना भी जनता जानती है। स्पेशली आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं और जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस से सात जिले के लोगों, ग्रेजुएट लोगों ने आपको चुना है, उन सभी लोगों को भी आपने शर्मसार किया है। पूरा ग्रेजुएट लोग आपके इस व्यवहार से शर्मिंदा होंगे, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ये जो सरकार है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, कितने छोटे वादे कर रही है, कितनी छोटी सरकार है, कितनी मक्कार सरकार है, ये जनता जान चुकी है। दूसरे पूर्वी इलाके के मेरे आदरणीय अधिकारियों को ये बात बोलना चाहता हूं, सरकार आती जाती रहेंगी। आपकी जो वर्दी है, वर्दी का एक कानून है, वर्दी का अपना एक वजूद है, वर्दी की अपनी पहचान है, वर्दी की अपनी एक स्पेशल ड्यूटी है, आपकी अलग से ट्रेनिंग है। छुपना आपका काम नहीं है। आपने आप जनता ने आपको नौकरी दी है, आप जनता की सहूलत के लिए आप हैं। सुव्यवस्था कायम करना आपका काम है, लेकिन जहां पर भी ऐसा दुराचार होता है, आपके सामने कोई बात आती है जनप्रतिनिधि के बारे में या किसी बारे में अवहेलना की बात आती है, तो आपने उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था, लेकिन आपने स्पष्ट नकार दिया है। इस तरह से आपका जो भेदभाव पुनर हुआ है, इसलिए भी जनता दुखी है। इतना बोलते हुए मैं सभी आज इतना बीजेपी के जो लोग आए हुए हैं, सभी ने आज इतना बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो अपना जन समर्थन दिया है, जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा मोर्चा निकालने के लिए आपकी और हमारी तैयारी होनी चाहिए। इतना बोलते हुए धन्यवाद।